हाय गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप एक टपल पास कर सकते हैं एक फंक्शन में। यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप एक फंक्शन से एक टपल रिटर्न ले सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट वही पिछले वीडियो वाला ही है। इसमें मैं आपको एक्चुअली दोनों दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक टपल पास भी कर सकते हैं और एक टपल रिटर्न भी ले सकते हैं। सो पासिंग टपल का जो कॉन्सेप्ट था वह एज इट इज़ मैंने रखा हुआ, वही कोड है। यहाँ पर बस हम लोग एक रिटर्न फंक्शन लिख देंगे, सॉरी रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे। और ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा टी को। टी क्या है? एक टपल है। देन ये फंक्शन चूंकि रिटर्न कर रहा है तो हम लोग इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, न्यू टी ओ पी। देन न्यू टी ओ पी को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं और साथ में न्यू टी ओ पी का टाइप भी देख लेते हैं। ओके, जितना कोड हो गया हमारा इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग इसको रन करते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें। सो मैंने रन किया, हमें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। समझिए कि क्या क्या हो रहा है। पहले ये कोड चलेगा, मतलब ये कोड चलेगा पहले, उसके बाद ये कोड चलता है। ये कहता है कि एक फंक्शन का कॉल हो रहा है, तो ये कहता है कि कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो सीधे यहाँ पर इस फंक्शन में, जो भी फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ। और आर्ग्यूमेंट के तौर पर एक टपल पास हो रहा है, टी यू पी जो कि है वह पास हो रहा है टी के पास। तो टी के पास क्या चलाता है? एक टपल। देन टी इसको प्रिंट करता है, मतलब टी को हम लोग प्रिंट करते हैं, जिससे कि हम लोग देख पाएंगे वाकई में टपल का एलिमेंट टी के पास आया है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि टपल हमारा पूरा का पूरा टी में चला आया है। देन वेरीफाई करने के लिए हम लोग टी का टाइप चेक कर लेते हैं, तो ये हमें एक टपल टाइप का बताता है। तो इससे पूरा सिद्ध हो जाता है कि टी के पास टपल आया है, जिससे कि टी टपल टाइप का बन गया। देन इस फॉर लूप का यूज़ करके आप टपल के अंदर के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक है। देन इसी टपल को जो कि टी में है, उसी टपल को हम लोग रिटर्न ले लेते हैं। तो ये रिटर्न कहाँ करेगा? जहाँ इस फंक्शन को कॉल किया गया, यानी कि यहाँ पर। सो ये टी रिटर्न होता है न्यू अंडरस्कोर टी ओ पी में। तो न्यू अंडरस्कोर टी ओ पी में इक्वल किया आ गया, टी आ गया, और टी में क्या है? एक टपल है। तो न्यू अंडरस्कोर टी ओ पी में क्या है? एक टपल है, जिसको आप जब प्रिंट करेंगे तो आपको ये वाला देखने को मिलता है। लेकिन क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप इसका भी टाइप देख लीजिए, जो आपको टपल बताएगा। सो आप क्या कर रहे हैं? आप एक टपल पास कर रहे हैं और फिर एक टपल रिटर्न भी ले रहे हैं। तो इसको कहते हैं पासिंग अ टपल, एंड इसको कहते हैं रिटर्निंग अ टपल फ्रॉम अ फंक्शन। सो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। वैसा ज़रूरी नहीं है कि किसी फंक्शन से अगर कोई टपल रिटर्न लेना है तो उसको पहले टपल पास करना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चाहें तो दोनों को सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आप दोनों का कंबाइन करके भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।